नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे कैप्चर मूवमेंट्स पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बाला साहेब ठाकरे यानी शिवसेना प्रमुख और मन्या सुर्वे, मुंबई का पहला हिंदू डॉन। दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें बाला साहेब ठाकरे जिस जीप में बैठे हुए हैं उसका ड्राइवर मन्या सुर्वे होने का दावा किया जा रहा है। क्या सच में बाला साहेब ठाकरे और मन्या सुर्वे के बीच में कुछ संबंध था या यह फोटो फेक है। जानते हैं इस फोटो की पूरी सच्चाई और पेश करते हैं आपके सामने कैप्चर मोमेंट्स का ये रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मन्या सुर्वे का पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था और वो एक अच्छा लड़का था, पर जुर्म की दुनिया में पाँव रखते ही वो मुंबई में अपना सिक्का चलाने लगा और मुंबई पुलिस के लिए अब वो सरदर्द बन गया था। आखिर में 11 जनवरी 1982 में उसका एनकाउंटर हुआ। तो एनकाउंटर ACP इसाक बागवान ने किया था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और मन्या सुर्वे के बीच में जो संबंध है उसके बारे में। जब शिवसेना नेता छगन भुजबल 1985 साल में पहली बार मुंबई के महापौर बने थे यानी मेयर बने थे, तब ये तस्वीर निकाली गई थी और उस रैली का ये फोटो है। पर हम फैक्ट के बारे में देखें तो मन्या सुर्वे का एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को ही हो गया था, तो ये साफ हो जाता है कि तस्वीर में जो गाड़ी चला रहा है वो मन्या सुर्वे नहीं बल्कि कोई और है और इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। पर दोस्तों बात करते हैं उस दौर की, तो आज भी बहुत से लोगों का कहना है कि मुंबई के माफिया के नाम से जाने वाले बहुत से लोग उस दौर में शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे। तो अब हम बात करते हैं मन्या सुर्वे और बाल ठाकरे के रिलेशन बारे में, तो इसकी भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है और यह हम साफ साफ कह सकते हैं हमारे सूत्रों के हवालों के अनुसार कि ये फ़ोटो फेक है और आप ऐसी फेक फ़ोटो यानी नकली इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और खोल देंगे आपकी दृष्टि और दिखा देंगे आपको सृष्टि। धन्यवाद।